इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कई सवाल दाग रहे थे। इस पर हम के प्रधान महासचिव ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर आपको समाधान यात्रा से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप क्षमा यात्रा निकालें, क्योंकि आपने लोगों से काफी झूठ बोले हैं। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। भाजपा के नेताओं को अगर समाधान यात्रा से समस्या हो रही है तो उन्हें क्षमा यात्रा निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि जितना झूठ और प्रपंच की आप लोगों ने बोला है भारत की जनता से, उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष जी कि भय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री नहीं दिखाते हैं, बल्कि भय आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी दिखाते हैं। ईडी और सीबीआई का ये बिहार है, कानून का राज है, कानून अपना काम करता है, न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। और नौकरियां तो आपके वजह से नहीं बढ़ रही थी, आप जब तक सरकार में थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पैरों में बेड़ी लगा कर रखे थे। आपको माफी मांगना चाहिए जनता से इसके लिए। आप जैसे ही आप सरकार से बाहर हुए, आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये सरकार नौकरियां बांट रही है, यहाँ के युवा को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। इसलिए आप लोग चले जाइए क्षमा यात्रा पर, और आपसे बिहार की सरकार गिरने वाले नहीं है। अगर बचाना है तो चिंता 2024 में भारत की सरकार के लिए कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगी। हम के प्रधान महासचिव राजेश पांडे ने विजय कुमार सिन्हा पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के लोगों ने लोगों का मजाक उड़ाया है और लोगों के साथ छल किया है, जिसके लिए आपको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, लोगों से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ कहा है कि ईडी का जो भय दिखाते हैं बिहार सरकार में, उससे कुछ होने को नहीं है, क्योंकि बिहार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम की जाती है, यहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित है और सारे चीजों को नजर में रखते हुए काम किया जाता है, इसलिए आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।